जी दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीष आयुर्वेदिक सेंटर पर। दोस्तों कुछ भाइयों की फरमाइश आ रही थी व्हाट्सअप के ऊपर के कोई बढ़िया सा मंजून जो हम सर्दी में सारी सर्दी खा लें, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और बेनिफिट्स उसके बहुत ज़्यादा हो। जो लोग शीघ्र पतन की वजह से परेशान हैं, जिनका कूपते वाक की जिनको प्रॉब्लम है, जिनकी स्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होती, जहाँ फिर जो काम शक्ति है ख़त्म हो गई है, इच्छा ही नहीं होती, मूड नहीं बनता, ऐसे भाइयों के लिए आज का मंजून है, बहुत ही बढ़िया है। मगर जो लोग नॉन वेज नहीं खाते उनके लिए अफसोस है, वो इसको नहीं खा सकते, मगर इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों जैसा हमने बता दिया है, इसकी जो डोज है ये आपको चम्मच का चौथाई भाग सुबह और शाम दूध के साथ खानी है और इसको कोई भी खा सकता है। बस जिनको शुगर है वो उसमें शहद असली डाल लें, कोई देसी शहद ना डालें ताकि शुगर आपकी ना बढ़ जाए। बाकी ये जिगर की तमाम जो प्रॉब्लम है, घुटनों के दर्द हैं, वायु पट्ठों की कमजोरी है, या फिर आपको कोई मर्दाना कमजोरी है, सभी पे इसका रिजल्ट जो है बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों इसके जो घटक हैं ये आपको बस साफ़ सुथरे पंसारी से लेने हैं। अगर दवाई तभी काम करती है, अच्छी काम करती है, अगर आपके जो आपने जो मटेरियल लिया है साफ़ सुथरा हो, बढ़िया हो, ताज़ा हो, तो ही ये मेडिसिन काम करती है। कई बार आप मेडिसिन तो बनाते हैं, बाद में नुस्खा जो जिसका नुस्खा होता है उसको कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि आपके नुस्खे ने पूरा काम नहीं किया। वहाँ पे रीज़न आपका होता है कि आप वो जो मेडिसिन लेते हैं वो पुरानी लगी हुई लेते हैं, जो पहले ही अपना असर कम कर चुकी होती है, तो वो आपको क्या रिजल्ट देगी। तो दोस्तों आयुर्वेद के अंदर जड़ी बूटी का ही मेन महत्व है। जो जड़ी बूटी अच्छी ताज़ी गुणकार होती है वही बढ़िया रिजल्ट देती है। बाकी जो पेशेंट है वो अपना परहेज़ रख कर अगर खाता है तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आयुर्वेद के अंदर जिसका इलाज नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखिए, ये कच्चा पिस्ता पंसारी से आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा लेना है, इस तरह का ये 100 ग्राम लेना है। 100 ग्राम आपको ये बादाम गिरी लेनी है, मीठी बादाम शीरी जिसके अंदर पूरा तेल हो, ये लेना है। 100 ग्राम आपको ये सफ़ेद मुसली लेनी है। ये देखिए आप क्वालिटी इसकी देखें, बिल्कुल बढ़िया साफ़ सुथरी और पूरी चकनाट वाली। इसकी पहचान ये होती है कि अंदर ये पूरी भरी होनी चाहिए। ये कुलंजान यानी कि पान की जड़, ये भी देखें आप ताज़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी लेनी है। ये लगी हुई होती है जिसमें से पहले ही रुएं से गिर रहे होते हैं, वो नहीं लेनी, फिर वो काम नहीं करती आपको। और ये अकरकरा, इसकी क्वालिटी देखें, ये ईरानी अकरकरा है, एकदम बिल्कुल साफ, इतना बड़ा मोटा मोटा अकरकरा है। ये तो आप जीभ पे रखें तो ये झुनझुनाहट पैदा कर देता है, बहुत बढ़िया ईरानी अकरकरा। ये भी आपको 100 ग्राम लेना है। ये चलंगोज़ा, ये भी आपको साफ़ सुथरा, ये पुराना हो जाता है तो इसके अंदर से जो गिरी निकलती है वो काली निकलती है, तो ये भी आपको ताज़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, ये लेना है आपको 100 ग्राम। उसके बाद 100 ग्राम आपको लेना है जायफल, ये भी बढ़िया वाला क्वालिटी देखिए इसकी, बिल्कुल साफ़ सुथरा वीडियो में आप देख रहे होंगे, और बड़े बड़े पीस, ये 100 ग्राम। 100 ग्राम आपको लेनी है काली मिर्च, 100 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम जायफल, 100 ग्राम चिलंगोज़ा, 100 ग्राम अकरकरा, 100 ग्राम पान की जड़, 100 ग्राम मुसली, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम बादाम गिरी, ठीक है। और ये रही रेगमाही, ये रेगमाही लेनी है आपको कम से कम 150 ग्राम। ये देखिए ये रेगमाही एक तरह की, ये इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये अंदर से देखें बिल्कुल साफ़ है, कुछ नहीं है, इसके अंदर ऐसे नमक भरा आता है, ये देखें, ये आपको दिख रहा होगा वीडियो में, ये देखिए इसके अंदर कितना बड़ा नमक है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है क्योंकि मैंने इसको पहले साफ़ कर दिया है। ये देखिए ऐसा इसको साफ़ होना ज़रूरी है, इसके अंदर बिल्कुल साफ़ नमक नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। ये 150 ग्राम, बाकी सब 100 ग्राम। और 2 तोले इसमें आपको बढ़िया केसर लेना है, केसर मैंने अभी मेरा आ रहा है मार्केट से, तो ये अभी तैयार करना है, किसी भाई को देना है तो केसर हम बाद में ऐड करेंगे। 2 तोले केसर, इसको अच्छी तरह बारीक पीस कर किसी कांच के डिब्बे में भर लें और इसके ऊपर 3 गुना शहद डाल दें। ये कम से कम 2 बंदों की दवाई बन जाएगी आपकी। अगर एक बंदा खाना चाहे तो भी खा सकता है इसको, 2-3 महीने आराम से खाया जा सकता है, बिना कोई साइड इफ़ेक्ट, बिना कोई नुकसान, कुछ भी नहीं करती, और ये आपको अंदर एक अच्छी खासी ताकत पैदा कर देती है। ऐसी ताकत जो आपने कभी भी, जो आप 14-15 साल की उम्र में होते हैं
तो एक अजीब सी ताकत होती है कि कुछ भी पता नहीं, कुछ थकता नहीं है मन, या कोई बदन टूटता नहीं है, चाहे आप दिन भर जितना मर्जी भाग दौड़ करते रहे। तो ऐसी ताकत ये आपके अंदर पैदा कर देगी। इस मंजून को बनाएं, खाएं, और इसकी जो मात्रा मैंने बता दी है, आधी चम्मच से ज़्यादा नहीं खानी, और दूध के साथ खानी है। और जिनको शुगर है वो शहद की मात्रा कम डालें या शहद बढ़िया डालें, और कोई भी इसको खा सकता है। इसको लेडीज़ भी खा सकती हैं, जेंट्स भी खा सकती हैं। ऐसी लेडीज़ जिनकी पिंडलियों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, थोड़ा सा काम करने से जिनका जो बदन टूटने लगता है, तो ऐसी बहनों के लिए ये नुस्खा बहुत बढ़िया है। जो लोग अपना जो सेक्सुअल लाइफ से परेशान हैं, उनके लिए तो ये अमृत है। तो इसको बनाकर खाएं, इस्तेमाल करें, और इसका रिजल्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।